हेलो एवरीवन, द एनडीबीस ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आई हूँ इडौन में और यहाँ से मुझे लेना है। इडौन में जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटिव। तो आइए गाइस, आपको लेके चलती हूँ मैं इडौन के अंदर। तो ये सबसे पहले हमें एप्पल स्टोर मिल जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो आइए गाइस, हमें चलना है थर्ड फ्लोर पे। चलो तो गाइज, यहाँ हम लेने आए हैं एक एसी और एक राइस कुकर। तो राइस कुकर पहले, सबसे पहले हम लेते हैं एसी। तो एसी की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जो भी हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, मतलब घर से रिलेटिव या एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हम पहुँच गए हैं एसी वाले फ्लोर में और यहाँ पे हम सबसे पहले तो ढूँढ ही लेंगे कौन सा एसी लेना है। तो आइए गाइज, आप वीडियो के साथ बने रहें। ये रहे गाइज सारी एसी, वैरायटी ऑफ एसी, कैसा भी कोई सा भी, सस्ते से लेकर महंगे तक सारे अवेलेबल है। पर शायद ये सस्ते और महंगे से डिपेंड ये है कि ये कितने, अगर जो सस्ती होगी वो कमरे के हिसाब से होगी कि हाँ ये एक कमरे के लिए है, दो कमरे के लिए है, ये डिपेंड करता है। तो अगर वो एक कमरे के लिए होगी तो इसलिए वो थोड़ा प्राइस कम होगा, ज़्यादा रूम्स के लिए यूज़ करना है तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस होगा। इस तरह से है सारी यहाँ पर। वैसे मैं पहली बार ही आई हूँ एसी लेने, क्योंकि इससे पहले अगर कभी भी मुझे कुछ भी चीज़ लेनी हो तो हमेशा पापा साथ में रहते थे। और जैसे कि पता ही है कि यहाँ पे जापान में लैंग्वेज चेंज है तो भाषा की प्रॉब्लम होती थी। पर अब ये है कि अगर आज भी हमने पापा को बोला था कि आप आ जाओ हमारे साथ, लेकिन पापा ने फिर वही कि तुम लोग कब करोगे खुद से। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो खुद ही चल लेते हैं। पर हम बोलते हैं ना कि बड़े जो बड़े होते हैं वो अच्छी राह देते हैं, अच्छी चीज़ें दिलाएंगे। तो इसलिए हमेशा हम वो करते हैं कि पापा साथ में आए। तो गाइज, हमने एसी सिलेक्ट कर दिया है और एसी ख़रीदने से पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले फॉर्म फिल कर रही हूँ। उसके बाद हम उनको बताएंगे कि हमें कब तक चाहिए। वैसे कभी भी हो तो ये एक हफ्ते बाद डिलीवर करते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है उनको हमने थोड़ा रिक्वेस्ट करी कि हमें थोड़ा एसी जल्दी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन बाद की डेट फिक्स करी है। फिर भी 2 दिन, पर चलो कोई नहीं, 2 दिन, एक हफ्ते से तो ठीक है, 2 दिन अच्छा है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमारी बात मानी, क्योंकि काफ़ी बिजी रहता है शायद इसलिए ये लोग जल्दी से डिलीवर नहीं करते हैं। और तो गाइज, हमारी जो है ये गिफ्ट, एक तरह से गिफ्ट गिफ्ट ही समझ लो, हमें ड्रिंक मिली है। तो हमें ड्रिंक के मज़े लेते हुए, तो गाइज जो है यहाँ पर इडौन के अंदर या कोई और भी शॉप होगी उसके अंदर भी इसी तरह से होगा। इलेक्ट्रॉनिक फल, जैसे कि एक फ्लोर पे एक ही चीज़ होगी, एसी होगा, या दूसरे फ्लोर पे टीवी होगा या वॉशिंग मशीन ही होगा, इसी तरह से है। मतलब एक फ्लोर में एक ही चीज़ के लिए है। तो इसी तरह से अब हम जाएंगे राइस कुकर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे राइस कुकर होंगे। तो मेरा राइस कुकर जो है थोड़ा मुझे ख़राब लग रहा है अब, जो पुराना वाला है, तो इसलिए मैं नया ख़रीदना चाहती हूँ।
और तुम तो बैबलिटी बैबलिटी है ये, इसे इसे पहली बार मिला है कि, पर मुझे पहली बार नहीं मिला है ऐसा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो गाइज एसी को बोलते हैं जापानी में एयर कॉन। तो ये है गाइज कुकर एरिया, पूरा एक से एक वैरायटी के लगे हैं, सस्ते महंगे सब लगे हैं। वैसे मेल ये वाले जो कुकर हैं काफ़ी महंगे आते हैं, और जैसे क्या, पर ये नॉन स्टिकी कोई भी चीज़ हो जो अगर उस पर एक लिटिल सा स्क्रैच भी आ गया है तो उस पर कम से कम 9000 केमिकल रिलीज होते हैं उससे, तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच वगैरह आ जाए तो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मैं भी इसीलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो पुराना वाला है उस पर स्क्रैच आ गए हैं, धुलते हुए हो ही जाते हैं, नॉन स्टिकी है तो कभी भी गाइस यूज़ नहीं करना चाहिए जो स्क्रैच वाले जो भी नॉन स्टिकी पैन या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो गाइज मैंने तो फाइनल कर दिया कि कौन से कलर का राइस कुकर लेना है। अभी मेरे हेल्प लेंगे कि हम डिसाइड करेंगे कौन सा वाला लेना है, क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ लेकिन दोनों हैं हम, तो इसलिए एक दूसरे की पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो वाइट कलर ही पसंद आता है, ज़्यादातर हर चीज़ में वाइट कलर पसंद आता है, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं अब कौन सा कलर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वाइट कलर का ही था जो राइस कुकर है अभी। इधर ही खुलता है, इतना बड़ा नहीं लूंगी क्योंकि वो बहुत महंगा है। चलो फिर इस तरह से चलता है कि इस पे अंदर हीटर से, इस तरह से हीटर चलता है इस पे, आपको देख रहा है इस तरह से आग जलती है अंदर से, तब ये खाने को हीट करता है और ये राइस बन जाते हैं। और ठंडा हो रहा है, मैं पैक हो चुकी हूँ, अभी तक हम अंदर थे तो अंदर में पता ही नहीं चल रहा था। गाइस ये रहा मेरा प्रेशर कुकर और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो गाइज इसमें है वाइट राइस और ब्राउन राइस के लिए ऑप्शन है, और इसमें हम अपने टाइम से सेट कर सकते हैं कि हमें जल्दी खाना, मतलब जल्दी राइस चाहिए तो उसे हम टाइम सेट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें है कि हम जो राइस बन चुके हैं उसे हम सिर्फ गर्म रखना है, तो उसमें एक गर्म का बटन, सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो यहाँ ये तो बेस्ट है जॉब वालों के लिए। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को आखिरी तक देखने